हेलो दोस्तों, मैं हूँ राम जी और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोग को एक्चुअली बताने वाला हूँ SBI योनो लाइट से बिजली बिल कैसे भरे या फिर योनो से बिजली बिल कैसे भरे। तो यदि आप लोगों को बिजली का बिल भरने का एक्चुअल प्रॉपर तरीका नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और मैंने यहाँ पर योनो ऐप को ओपन कर दिया है, चाहे वो योनो ऐप हो या योनो लाइट हो। तो उसके बाद से यहाँ पर लॉगिन वाला जो यहाँ पर बटन दिया गया है, लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमारा जो योनो का पिन है, एम पिन जिसे हम कह सकते हैं, उसको यहाँ पर हम एंटर करेंगे, यानी कि टाइप करेंगे इसका जो कीबोर्ड है उस तरीके से। उसके बाद से जब हमारा योनो SBI लॉगिन हो जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट, योनो पे और योनो कैश का ऑप्शन दिया गया है। योनो पे का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर बिजली बिल भरेंगे। योनो पे क्लिक करने पर यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है। नीचे क्विक पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें सबसे लास्ट में बिल पे का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नो पेंडिंग बिल दिखाई दे रहा है। नीचे की साइड में आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आपको क्विक बिल पे वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लेना है। सिंपली आप इस पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद से यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जिसका इस्तेमाल करके आप लोग मल्टीपल बिल पे कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप चुनाव करेंगे, बिजली का बिल जमा करने के लिए। उसके बाद से यहाँ पर सेलेक्ट बिलर लोकेशन, जो भी लोकेशन है, जैसे मान लीजिए आप यूपी से हैं तो उत्तर प्रदेश, या फिर गुजरात से हैं तो गुजरात। तो मैं यहाँ पर गुजरात से हूँ तो यहाँ पर गुजरात टाइप करूँगा। फिलहाल मैं यूपी का हूँ लेकिन यहाँ पर गुजरात में फिलहाल हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर गुजरात टाइप करता हूँ। तो सेलेक्ट बिलर, जो हमारा बिजली का बिलर होता है, जो हमारा पेमेंट रिसीव करता है, तो वो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे या फिर सेलेक्ट कर लेंगे। मध्य गुजरात विज कंपनी लिमिटेड वाला MGVCL है हमारा, तो इस पर हम मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद से नेक्स्ट वाले बटन पर हमें क्लिक कर लेना है आगे के लिए। उसके बाद से यहाँ पर सामने स्क्रीन पर हमारे पास कुछ और ऑप्शन आएंगे, जैसे कंज्यूमर नंबर और इंटर योर मोबाइल नंबर टू कंप्लीट ट्रांजेक्शन। ठीक है, कंज्यूमर नंबर जो है ग्राहक नंबर होता है, जो आपको मिल जाएगा आपके बिजली के बिल पर। तो सिंपली आप यहाँ पर ये दोनों चीज़ टाइप करेंगे। ग्राहक नंबर देखिए आपको यहाँ पर मिल जाता है बिजली बिल में, मीटर नंबर भी मिल जाता है, लेकिन उसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है। मैं यहाँ पर सिंपली कंज्यूमर नंबर टाइप कर देना है और अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। तो उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे सिंपली। उसके बाद से यहाँ पर कुछ ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पर देख लेना है सारी चीज़ें डिटेल एक बार फिर से। उसके बाद से यहाँ पर इंटर अमाउंट आ रहा है, जिसमें आपको बिजली का अमाउंट, जितना भी बिजली बिल है, वो हमें यहाँ पर टाइप करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कीबोर्ड आ जाएगा इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर नीचे की साइड में 1 2 3 है, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से यहाँ से हमारा जो बिजली बिल अमाउंट है वो यहाँ पर टाइप कर देते हैं। तो मेरे केस में 752 रुपये है, तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है अमाउंट में 752। उसके बाद से नेक्स्ट वाला जो बटन है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। बिजली का बिल आपका जो है भरने से पहले आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, तो उस OTP को आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। उसके बाद से यहाँ पर एक बार प्लीज रिव्यू दे देगा, देखकर कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद से आपको सामने इस तरीके से जाएगा OTP फिर से आपके मोबाइल नंबर पर। उसके बाद से आपको यहाँ पर सिंपली सबमिट बटन पर OTP डालकर सबमिट कर देंगे, तो आपका बिजली बिल भर जाएगा, यानी कि पेमेंट हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग बिजली का बिल भर सकते हैं योनो ऐप से, SBI योनो लाइट ऐप से। इस तरह के वीडियो के लिए आप रामजी टेक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।